नमस्कार दोस्तों, बबलू डन में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ्टिंग का जो टेप होता है उसका खुलासा करने वाला हूं। बहुत लोग ग्राफ्टिंग का जो रोल कंफ्यूज करते हैं कि हम किस टाइप से प्लास्टिक खरीदेंगे कि उसको ग्राफ्टिंग करेंगे। तो दोस्तों जान सकते हैं कि हम किताब कॉपी मढ़ने के लिए ऐसा प्लास्टिक खरीदते थे जिसका कलर दूधिया रंग का है, दूध का रंग का है, भूरा रंग मतलब पारदर्शी कम है। तो हम कंफ्यूज करते थे कि नर्सरी में जाके कि कैसा उन लोग प्लास्टिक, उनका वाइट वाइट रहता है, बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छा होता है। तो इसी कंफ्यूजन में हमको नहीं मिला तो दुकान से हम इसी प्लास्टिक का रोल मिलता है किताब कॉपी मारने के लिए दूधिया रंग का, और इस प्लास्टिक में खिंचाव होती है, ऐसे खिंचाव होती है, ये मतलब ठीक है, देख सकते हैं खिंचाव होती है। तो इसी प्लास्टिक का हम अपना कैंची से काट के और इस टाइप से दोस्तों इस टाइप से टुकड़ा कर लेते थे कैंची से काट के रोल बना के, और इसी को हम यूज कर सकते थे। लेकिन फिर जगह हम एक जगह दुकान पर गए तो हमको एक बहुत ही बढ़िया अपने काम का चीज़ मिल गया, और मेरे ख्याल से सारा नर्सरी में वही यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एनीबडी कोई भी चीज़ ग्राफ्टिंग में, यानी कि आप अमरूद का कीजिए, आम कीजिए, उड़हुल कीजिए, गुलाब कीजिए, जो चीज़ प्लांट में जो भी ग्राफ्टिंग आएगा तो वो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत ही ये सुंदर क्वालिटी का ये ग्राफ्टिंग टेप है। और देख सकते हैं कि एकदम लग रहा है कि मैं बर्फ़ का टुकड़ा लिया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत ही कम किफ़ायत पे। जब ये मैं ख़रीदता था तो आपको ये मिलता था रोल बहुत ही कम लेयर, इसमें कम लेयर, इसका देखिए लेयर दोस्तों, लेयर कितना मोटा है, ये लेयर आता था हमको ये जो इतना साइज में होता था, और ये मिलता था हमको 25 या 30 रुपये के रेंज में, ठीक है। शुरू 15 या 20 के रेंज में आता था, अभी बढ़ गया है कीमत, 25 या 30 अबाउट लगभग है, 25 रुपये अबाउट। जबकि ये हमको मिला है, ये आपको केजी के हिसाब से, वजन के हिसाब से मिलता है, इसका 57 रुपया प्राइज हुआ और लगभग 200 या 250 रुपये केजी के हिसाब से मिलेगा। तो ये हमको 250 ग्राम या 400 ग्राम, 250 ग्राम या जो भी, मतलब मुझे ये 57 रुपये का मिला दोस्तों, ठीक है। मैं उसको 55 रुपया ही दिया हूँ। तो दोस्तों ये इसमें तो पूरा मेरा साल मतलब बहुत अच्छा ग्राफ्टिंग होगा। अगर दो लेयर में दो चीज़ खरीद लेता हूँ, यानी कि 100 रुपये का भी अगर दो रोल खरीद लेता हूँ तो मेरा पूरा ग्राफ्टिंग एकदम फिट हो जाएगा एकदम। तो इससे अगर ये आधा टुका रहता, मैंने कि इसका 50-50 रहता, दो राउंड रहता तो और मज़ा आता। लेकिन दोस्तों अब उसको इसको काटने के चक्कर में मेरा एक रोल ख़राब हो गया, वो चिपक गया। तो दोस्तों ये किस तरह से ग्राफ्टिंग होगा ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, और ये रोल बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही, हाँ इसको ये मिलेगा कहाँ आपको, और ये इसको क्या कह के आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पहला नंबर मिलेगा कहाँ, और इसको दुकान पर जाके क्या कह के ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मिलेगा आपको जो प्लास्टिक का जो होलसेलर दुकान होता है, खुदरा दुकान नहीं, छोटा मोटा दुकान नहीं, जिस पर पूरा प्लास्टिक बिकेगा, रबड़ बैंड बिकेंगे और प्लास्टिक की थैली वगैरह बिकेगी, ठीक है। होलसेलर जो पूरा सप्लायर, जो पूरा बाज़ार में सप्लाई देते हैं, उसका होलसेलर आपके एरिया में एक दो ही होंगे, ज़्यादा नहीं होते। इसका होलसेलर जो भी होते हैं 2-3-4 या होते हैं अबाउट। ये प्लास्टिक बहुत ही एकदम आसान है, एकदम खींचने पर भी देखिए दोस्तों कितना ये इसका मतलब ये लचीला है दोस्तों, इसी टाइप का ये लचीला होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो मतलब खिंचाव होना चाहिए ग्राफ्टिंग टेप में, ऐसे खिंचाव होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये एकदम आपको खिंचा गया, ठीक है, ऐसे खिंचाव होना चाहिए। तो वही प्लास्टिक आपका ये ग्राफ्टिंग में काम आएगा, एडेनियम के ग्राफ्टिंग में, चाहे कोई ग्राफ्टिंग में भी, ठीक है। ए टू वजी प्लांट में कोई भी ग्राफ्टिंग ये काम आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, इसका नाम क्या है, क्या कह के ले सकते हैं दोस्तों। इसका एक ही रूल जान लीजिए, कोई भी कार्टून बॉक्स या कोई भी सामान या कोई भी आप टूल्स खरीदते हैं, या मान लीजिए आप फ्रिज खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, या आप गोदरेज अलमीरा खरीदते हैं, तो उस पर एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया रहता है जिसको बोलते हैं स्क्रैच प्लास्टिक, स्क्रैच ना पड़ने वाला। यानी कि उस पर जैसे मान लीजिए कोई कार्टून बॉक्स कहीं पार्सल जाता है या आता है, आप देख लीजिएगा कहीं की, तो वो लोग प्लास्टिक में कवर करके भेजते हैं कि उस कहीं रगड़ नहीं खाएगा कोई स्क्रैच, तो इसको स्क्रैच प्लास्टिक बोलते हैं। यानी कि इस कोई भी कार्टून बॉक्स पर हम ऐसे लपेट देंगे तो ऑटोमेटिक ये सट जाएगा, इसमें कोई गोंद नहीं है, कोई भी कवर पर मारिएगा ऑटोमेटिक ये मतलब प्लास्टिक का प्लास्टिक चिपक जाएगा,
वो स्क्रैच नहीं आएगा, बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ईजी मिलता है। तो आप इसको मंगा के आप एडेनियम का काम कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीका से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। फिलहाल दोस्तों एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपके सामने, और बाकी इस रोल से और भी करूँगा ग्राफ्टिंग, और उसका ग्राफ्टिंग का रिजल्ट भी बताऊँगा कि ये ग्राफ्टिंग मतलब अगर हम बैठेंगे तो एक बार में 20-30-50 करके देखेंगे। फिलहाल के लिए एक दो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए किस तरह से काम करता है। अब ये तो प्लास्टिक खैर मैं यूज कर लूँगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अभी बाकी है दोस्तों। तो इसका अगर कोई भी डाउट हो इस प्लास्टिक के बारे में, सारा नर्सरी में यह यूज़ करते हैं मेरे थिंकिंग के अनुसार। इस प्लास्टिक के और भी कोई इंक्वायरी चाहिए, देखिए दो चीज़ बता रहा हूँ, स्क्रैच प्लास्टिक, स्क्रैच ना पड़ने वाला, ठीक है, वो हो गया। रोल मिलेगा, इसका बड़ा बड़ा रोल आता है दोस्तों, इसका इतना बड़ा बड़ा रोल आता है। तो वो होगा बड़ा बड़ा कॉटन बॉक्स पैक करने के लिए, कोई लोहे का सामान या जो भी पैक करने के लिए। तो मैं सबसे छोटा साइज मांग रहा था, तो छोटा साइज में वो दोस्तों यही मिला है, लगभग एक उंगली का है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आधा आधा हो गया तो और अच्छा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा ग्राफ्टिंग। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ, अब आगे मेरा इधर नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैं साइड होकर दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट स्टॉक रख लिए अपने पास, और कटिंग भी रख लिए दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमको इसको ग्राफ्ट करना है, किस तरह से हम ये प्लास्टिक का रोल यूज करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा नहीं, प्लास्टिक और रबर बैंड का काम होगा दोस्तों। इसको मैं एक ही ब्लेड से काम कर रहा हूँ, नया पुराना, मतलब नया पुराना ही ब्लेड है, नया नहीं तोड़ा हूँ इसको, थोड़ा सा मैं फ्रेश कर ले रहा हूँ दोस्तों, हो गया। और ये तो कल लाया था डाल कहीं से, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ले काट के फ्रेश कर ले रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, यही मेरा आपसे गुजारिश है दोस्तों। देखिए ये मैं लिया हूँ, साइज में थोड़ा सा बेसी ले लिया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और हाइट कम करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इसको अपने अच्छे से रख लिया हूँ, और इस प्लास्टिक का मैं कैसे यूज करूँगा दोस्तों देख सकते हैं। बस इसको आप पूरी तरह से टाइट करके देखिए दोस्तों, मैं राउंड ग्राफ्टिंग करता हूँ, ठीक है, यानी कि राउंड ग्राफ्टिंग का मतलब मैं बांधने वाला ग्राफ्टिंग करता हूँ। और मेरा थोड़ा सा हाथ का जो प्रैक्टिस है वो इस नया चीज़ के चलते डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो मैं इसको राउंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, एक ये दिखा दे रहा हूँ बस। देख सकते हैं मैंने कैमरा अपना नज़दीक कर लिया हूँ, और जो भी दिक्कत होगा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी कैमरा सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीक़े से ग्राफ्टिंग दिखा दूँ। तो ये तो मेरा एक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं अपना रूट स्टॉक ले रहा हूँ दोस्तों, ये हो गया रूट स्टॉक। अब इसको मैं इधर से कट कर रहा हूँ, इधर हटा दिया, और ये मेरा वन, इसको ग्राफ्टिंग करना है तो मैं इसको काट रहा हूँ अपने ज़रूरत के अनुसार, एक दवाई होना चाहिए। अब इसको मैं डाल, ये ग्राफ्टिंग वाला पतला है, छोटा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छी तरीक़े से दिखा पाएँ दोस्तों। इसको बस बीच में रख देना है, और इस रोल का हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। कि वो ये भी फ्लैट ग्राफ्टिंग, मैं बांधने वाला नहीं कर रहा हूँ, ऐसे यूज कैसे यूज करूँगा, कौन सा प्रक्रिया हो सकता है। तो आप इसको पुश करके ऐसे पहले आप देख लीजिए, आप इसको इस एक हाथ से इसको छेद करके और इसको आप अलग कर लीजिए, फाड़ लीजिए, ठीक है। अब ये
या पहले से भी फाड़ के रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा टाइट करके नीचे की ओर फोर्स कर दीजिए एकदम, और इसको आप रबड़ बैंड से चारों पट्टी राउंड राउंड दो तीन बार कर लीजिए ताकि ये ढीला ना हो। दोस्तों ये प्रैक्टिकल मैं बहुत कम किया हूँ, मतलब कि इस टाइप से मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, मेरा स्पीड नहीं हो पाएगा। मैं पहले जैसे ग्राफिंग ये दिखा दिया कि मैं इस तरीक़ा से कर सकता हूँ दोस्तों, अब मैं जय कैसे करता हूँ अपना प्रैक्टिस वो चीज़ भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये दो प्लांट हो गया, बिल्कुल ही बांधने वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल बांधने वाला सिस्टम ये हो गया दो। अब हो रहा गया मैं कैसे करता हूँ ग्राफ्टिंग बांधने वाला, वो अलग से दिखा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप एक कोई ले लीजिए, हालांकि ये कंफर्टेबल नहीं है, ये जो डाल है ये मैं पुराना कल लाया था, थोड़ा सूख गया है, कंफर्टेबल नहीं, फिर भी इसी पर मैं प्रैक्टिस दिखाता हूँ। तो पहले ही आप मैंने काट लिया अपने अनुसार कितना हाइट में रखना है, अब इसको मैं अपना ज़रूरत के अनुसार इसको काट लिया, देख सकते हैं दोस्तों। अब रह गया इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश कर ले रहा हूँ, अब इसके ऊपर मैं बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें दूध ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा गीला गीला है तो और एक बार फ्रेश कर सकते हैं, गीला नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, हो गया। अब मैं बांधने वाली प्रक्रिया दिखाता हूँ कि मैं बांध पा, ये देखिए दोस्तों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब कि ये मतलब क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं बांधने में सक्सेस हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, हो गया, ऐसे हो गया। अब मैं इसको राउंड राउंड करके बस मेरा यही है, देखिए दोस्तों दो बार घुमा दिया काम ख़त्म, मेरा ये है। अब ये रह गया कि इसमें चौड़ाई की मात्रा ज़्यादा है तो बांधने में मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, इसका अगर मैं 50-50 कर दूंगा तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि 50-50 कर दूं, नहीं तो मुझे इस तरीक़ा से करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी चौड़ाई मोटी है तो बांधने में ये ज़्यादा प्लास्टिक खपत हो रहा है। तो दोस्तों पसंद आएगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपके सामने मैं सारा चीज़ दिखला दिया। इसमें है कि हमको ऊपर से प्लास्टिक कवर नहीं ढकना है, क्योंकि ये पूरी तरह से सील हो गया, पैक हो गया, और मैं यहाँ बांध के दिखा दिया। ये हो गया मेरा तीन प्लांट दोस्तों ग्राफ्टिंग के लिए, और देख सकते हैं दोस्तों एक और बचा हूँ मैं, उसको भी एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक रूट स्टॉक और है मेरे पास दोस्तों। दोस्तों देखिए कैसे कर रहा हूँ, एक और तरीका से आप कर सकते हैं, पहले ही इस प्लास्टिक को काट सकते हैं जितना ज़रूरत हो आपको, ठीक है। तो चलिए मैं पहले प्लास्टिक को ले रहा हूँ और तोड़ ले रहा हूँ, जो आसान पड़ेगा उस तरीका से आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको ज़्यादा नहीं, मात्र इतना प्लास्टिक आ सकता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। बस इसको आप टाइट पकड़ के, इसको पकड़ के और ऊपर से इसको पुश कर देना है थोड़ा सा, अगर ये राउंड ये छोटा है इसलिए ये निकल गिर जा रहा है, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा नीचे की ओर पुश करते हैं और इसको ऐसे रबड़ बैंड मार देते हैं। ये भी आसान तरीका है दोस्तों, पहले प्लास्टिक तोड़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, बाद में तोड़ने की झंझट नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप कर करिएगा तो आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छा होगा और ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रह गया दोस्तों ये प्लास्टिक के बारे में, अगर ये प्लास्टिक आपको पसंद आएगा, मेरा कहा हुआ बात पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।